हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब उम्मीद होगा ठीक होंगे। आप सब के लिए लेके आए एक और फर्नीचर डिजाइन जनरल स्टोर का। आप पूरा वीडियो देखिए, हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। आप हम सब पूरा दिखाने वाले और बताने वाले भी हैं क्या साइज शॉप है और कितना हाइट है, कितना लंबा चौड़ा है फर्नीचर का। इसका लंबाई टोटल 18 फीट है और चौड़ाई 17 फीट है। डबल गाले का शटर है ये जो हमने वीडियो बना फर्नीचर बनाया है। आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आप सब आपको सब बताने वाले हैं इसमें हमने क्या यूज किया है, क्या क्या लगाया है। ये बीच में दरवाजा है, रियल काउंटर है, सामने से आगे का पूरा कांच डिस्प्ले है, डिस्प्ले आइटम रखने के लिए है। ये एल काउंटर है, ये पूरा प्लाईवुड में हमने बनाया है। और ये आगे का पूरा कांच का स्लाइडिंग है, कांच का पूरा फुल डिस्प्ले नीचे से ऊपर तक। इसका हाइट जो है टोटल 8 फीट है, चौड़ाई जो है वो 17 फीट है, लंबाई 18 फीट है। गाला का लंबाई ज़्यादा है, पीछे स्टोरेज छोड़ दिए हम लोग। ये मंदिर है भाई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और जो लोग नए हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी वीडियो देखना है आपको तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्रोफाइल पर हमने 28-30 वीडियो डाल रखा है उसमें। ये काउंटर का बैक डिजाइन है, रेड ऑरेंज और वाइट है, बीच में ऑरेंज है, ऊपर नीचे वाइट है। ऊपर पूरा कांच का डिस्प्ले है फुल, टोटल इसमें प्लाईवुड लगा हुआ है। और बॉर्डर पे जो है हुआ सनमाइका है ऑरेंज कलर का, अंदर जो मारा हुआ है वाइट कलर, वो ऑयल पेंट है। किराने का दुकान है ये, राशन वगैरह का। बीच में ये दरवाजा, पीछे स्टोरेज के लिए। इसका टोटल हाइट 8 फीट है, 3 स्टेप में बना हुआ है। नीचे का 3 फीट 1 फीट में बना हुआ है, उसके ऊपर जो 3 फीट बना हुआ है वो 8 इंच में बना हुआ है। फिर उसके ऊपर 2 फीट जो बना हुआ है वो 1 फीट में बना हुआ है। से क्या होता है कि 4 आदमी को प्लेटफॉर्म मिल जाता है और वही डिजाइन ऊपर नीचे सेम रहता है। कांच का स्लाइडिंग है सब टोटल नीचे से ऊपर तक, बैरिंग वाला है पूरा। ये बहुत स्मूथ चलता है, क्या बैरिंग पर रहता है तो इजी चलता है, काफ़ी इजी रहता है। खोल बंद करने के लिए टेंशन नहीं रहता है, इजी से खुल जाता है, इजी से बंद हो जाता है, बैरिंग लगा रहता है। नीचे वाले का गहराई 1 फीट है, बोलो 12 इंची है, मतलब 1 फीट होता है 12 इंची। उसके ऊपर है जो 8 इंची है, इसका गहराई 1 फीट है। ये ऊपर वाले का जो है ये 8 इंची गहराई है, फिर उसके ऊपर जो है वो 12 इंची। पूरा फर्नीचर टोटल। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें। ये बीच में दरवाजा है, पीछे स्टोरेज के लिए। स्टॉक सामान रहेगा तो आप पीछे रख सकते हो, कुछ टेंशन नहीं। जो अपने को लगाना रहेगा वही ला के लगाएंगे, बेस्ट माल रहेगा, पीछे रख सकते हैं। बॉर्डर पर जितना ये ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये टोटल ही सनमाइका है। और जो वाइट अंदर लगा हुआ वो ऑयल पेंट। ये एंट्री है अंदर जाने के लिए, यहाँ पर दुकान ओनर रहेंगे। काटा रखने के लिए हमने बना दिया है टॉप पलाई में, उसके नीचे गल्ला है, पैसा वगैरह जो भी रखना हो आपको, फाइल वगैरह। ये तेल काउंटर है, आपको रख सकते हो तेल का। ये दरवाजा ऊपर से खुलने वाला, इसमें आगे हमने स्लाइड कर दिया है डब्बा डालने के लिए। ऊपर से दरवाजा खुलेगा, सामने से भी खुलेगा, बोल्ड है ये, सामने से सब उठा के निकाल सकते हो आराम से। पूरा बाहर डब्बा रखने के बाद फिर इसको बैठा के आप दरवाजा ऊपर से बंद कर सकते हो। फोल्डिंग है पूरा सिस्टम। तेल काउंटर है, ये किराने का दुकान है, उसमें तेल लगता ही है। उसके बाद ये पूरा डिस्प्ले वाला काउंटर है, कांच का ऊपर जाड़ा कांच लगा हुआ है 12 mm का। ये दोनों गल्ला है, ये पूरा डिस्प्ले है, बाहर से कांच का कांच लगा हुआ है ये, और उसके बाद इसमें कांच का सेलफ लगा हुआ है। इसमें लाइट नहीं है, इसके लिए वीडियो थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है। बाकी आप पास से आके देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। फर्नीचर का डिज़ाइन जो भी है, कलर लुक जो बहुत भारी दिख रहा है, पास से खड़ा होकर फेस टू फेस देखेंगे तो
ऐसा मोबाइल में इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। आप अगर फेस टू फेस देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो भी डिजाइन है इसमें, एक भी लाइट अभी लगा हुआ नहीं है। वायरिंग का काम पूरा बाकी है, साफ़ सफाई वगैरह बाकी है जो भी थोड़ा बहुत। जब ये क्या क्लियर हो जाएगा पूरा तो दिखने में और अच्छा दिखेगा। देख सकते हो आप नीचे से ऊपर तक डिस्प्ले ही है पूरा। मेडिकल सिस्टम बना हुआ है। जो लोग को वीडियो पसंद आए भाई लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।